एसेट्स, एसेट्स का मीनिंग हमने पढ़ा था, कुछ बच्चे मुझे आंसर भी भेजे हैं और अपने वर्ड में वो ठीक भी था, ठीक है, और बाकी और ठीक हो जाएगा। इसमें कह रहा है टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इनटेंजिबल राइट ऑन बाय एनी एंटरप्राइजेस, ऑन बाय एनी एंटरप्राइजेस एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। कह रहा है कोई भी टेंजिबल चीज हो या फिर इनटेंजिबल चीज हो, टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते हैं छू नहीं सकते हैं, उसको ऑन कर रहा है कौन मालिक है, इंटरप्राइजेज मालिक है एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर में उससे कोई बेनिफिट होने वाला है। बड़ा सारा एग्जांपल हमने लिया था लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ईटीसी, आप लोग ने भेजा भी था, तो इसको हम लोग कहेंगे ऐसे। इसमें डियर मुझे एक कंफ्यूजन आ रहा है, सर आपको भी कंफ्यूजन आता है? हाँ थोड़ा सा आ रहा है। टेंजिबल के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और इनटेंजिबल के साथ राइट लिखा हुआ है, तो कोई भी बच्चे मुझे बता सकते हैं टेंजिबल के साथ ऑब्जेक्ट क्यों लिखा हुआ है, इंटेंजिबल के साथ राइट क्यों लिखा हुआ है? कोई भी एनीवन प्लीज रेज हैंड कीजिएगा, फिर मैं बताता हूं इसका लॉजिक क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। हां जी रोहित प्लीज एक्सप्लेन। यस सर, टेंजिबल ऑब्जेक्ट को टेंजिबल के साथ ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और टेंजिबल का मीनिंग भी यही होता है, जबकि राइट्स है उन्हें छू या देख नहीं सकते, बस हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, जो कि इनटेंजिबल का मतलब होता है। डियर बिल्कुल सही बात है डियर, टेंजिबल के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि थिंग, कोई भी सामान जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, ईटीसी, और इनटेंजिबल के साथ राइट लिखा हुआ है, थिंग नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इनटेंजिबल कभी थिंग नहीं हो सकता है, जिसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, वो क्या है, अपना राइट है, एक अधिकार है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गुडविल का, पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, तो वो अपना क्या है, राइट है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए सॉरी टेंजिबल के साथ ऑब्जेक्ट था, इनटेंजिबल के साथ राइट था। दूसरा डियर सेकेंड वन हम लोग किए थे मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी, जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास होगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब समझ में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग नर्सरी में हैं, आप लोग ध्यान रखते ही हैं। दूसरा मीनिंग ऑफ लायबिलिटी, द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यहाँ भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्लिगेशन, ऑफ एन इंटरप्राइजेज अदर देन ऑनर फंड। ऑनर फंड क्या बोल रहा है, लास्ट क्लास में मुझे लिखने में नहीं बन रहा था, एक्चुअली मेरा सिस्टम दूसरा सिस्टम था, नेट में ही था, यानी कि कैपिटल के अलावा जितना भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है किसी भी इंटरप्राइजेज का, उस सब को क्या कहेंगे, लायबिलिटी कहेंगे। यानी कि कोई भी जैसे लोन, कोई भी बैंक लोन, ईएमआई लोन, जो भी लोन हो, वो सारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। कोई भी सन्डे क्रेडिटर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कोई ड्यू है, पेमेंट करना बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी है। सैलरी ड्यू है तो वो क्या हो जाएगा, अपना लायबिलिटी है। थर्ड वन डियर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, यानी कि कोई भी अर्निंग करने के लिए हम जो पैसा खर्च करते हैं, जेब से जो पैसा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा अपने पास से जाएगा वो दो ही चीज हो सकता है, या तो एसेट्स हो जाएगा, माइंड कीजिएगा मैं बिजनेस के लिए बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल नहीं बात कर रहा हूँ, दो ही हो सकता है, या तो एसेट्स हो सकता है फर्स्ट वन, या सेकेंड हो सकता है एक्सपेंसेस। सर एसेट्स कैसे होगा, अगर वो 12 मंथ से एक्सीडिंग करे, 12 महीने से ज्यादा के लिए एक्सपेंसेस हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसेट्स बोलेंगे। 12 मंथ से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। सर दो एग्जांपल दीजिए जिसमें एक 12 महीने से ज्यादा हो, एक 12 महीने से कम हो। ठीक है अभी देता हूँ। यार आपका कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, आप अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी मंथली पे होता है, आप सैलरी पे किए हैं एक महीने का, तो ऐसा नहीं कि 4 साल उससे काम करवा सकते हैं, आप कितना दिन काम करवा सकते हैं, 1 महीने काम करवा सकते हैं, तो वो अपना क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। हम फर्नीचर खरीद के ले आए, तो फर्नीचर तो ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद वो बैठेंगे कुर्सी पे बैठेंगे तो वो बोलेगा कि भैया तुम नहीं बैठो, 2 साल के बाद भी बैठेंगे तब भी बैठने देगा वो, हो सकता है कुछ रिपेयरिंग का काम होगा तो रिपेयरिंग हम लोग करा लेंगे, तो वो अपना क्या हो जाएगा, एसेट्स। एसेट्स में भी वो हो जाएगा फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स, बाद में हम लोग देखेंगे करेंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, कॉस्ट, कॉस्ट पे ध्यान दीजिएगा, रिलेटिंग टू द ऑपरेशन, यानी कि बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, टू द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, रेवेन्यू अर्न करने के लिए विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड, यानी कि उस साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव बोलेंगे। दूसरा इनकम ऑन रेवेन्यू है, या इसको गेंस भी बोल सकते हैं,
लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था सर इसमें कुछ डिफरेंस है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, अभी मान के चलिएगा कि ऑब्लिक है तो दोनों सेम है, ठीक है ना। यानी इसमें कह रहा है कि ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, जैसे कोई भी गुड्स का सेल करते हैं या कोई भी सर्विसेज देते हैं जो उससे ग्रॉस इनफ्लो आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम और रेवेन्यू करेंगे। वैसे ही दो तीन और भी लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, ड्रॉइंग लिखा हुआ है। कैपिटल क्या होता है, ऑनर फंड, अभी इसको मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ, आप लोग घर पे पढ़ेंगे। ड्रॉइंग क्या होता है, जो पर्सनल पर्पज से यहाँ से पैसे हम विड्रॉ करके ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ड्रॉइंग करते हैं। तो ये चार चीजें थे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल भी था, ड्रॉइंग भी था। तो डियर इसके बिना अकाउंट नहीं चल सकता है, अकाउंट को अगर चलाना है, कॉमर्स को चलाना है, कॉमर्स में बढ़िया करना है, बेस अपना बढ़िया करना है, तो ये चार चीज हमको जैसे ही ट्रांजेक्शन कोई देखे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या है, ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। अगर ये चीज पता नहीं होगा तो हम लोग जर्नल एंट्री गलत करेंगे। डियर इसको मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ एंड देन हम लोग चलते हैं दूसरे अप्रोच पे। आप लोगों को पता है दूसरा अप्रोच कौन सा है, मॉडर्न अप्रोच पे, एंड देन देखेंगे जो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं किए हुए हैं उसको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वो देख लेंगे। मॉडर्न अप्रोच अभी सीखते हैं, बड़ा आसान है और उस पर भी वही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे थे, और फिर देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा अप्रोच आसान है। डियर आप लोग को व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है सर, यहाँ भी बोर्ड रहता है, सब चीज रहता है, क्लास में इतना सिस्टम नहीं रहता है जितना यहाँ पे सिस्टम है। तो डियर सबसे पहले अप्रोच की बात करें, अप्रोच या फिर रूल, हम लोग सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में भी हम लोग ए पढ़ रहे हैं जर्नल, उसमें अप्रोच कितने टाइप के थे, कौन बताएंगे, हैंड रेज कीजिए। एक ही चीज को मैं बार बार पूछूंगा, अप्रोच कितने टाइप के थे, हैंड रेज कीजिए, सारे बच्चे का हैंड रेज होना चाहिए। इसीता आप बताइए। ट्रेडिशनल, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल को ही बोलते हैं ऑब्लिक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड, मॉडर्न, मॉडर्न अप्रोच। डियर इसमें फर्स्ट वन है, हमने ये कर लिया, इसमें हम लोग पढ़े भी, हैंड डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, हैंड अप रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग पढ़ लिए, इस पे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में दो फॉर्मूला होता है, किसी भी क्वेश्चन करने के लिए मान लेते हैं दो फॉर्मूला है, वन एंड टू। हो सकता है कोई इजी हो, कोई डिफिकल्ट हो, लेकिन रिजल्ट जो देगा, आउटकम जो देगा, रिजल्ट विल बी द सेम। रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कोई भी रूल लगाएंगे, कोई भी अप्रोच लगाएंगे तो रिजल्ट आपका डिफरेंट होगा। यहाँ पे अप्रोच दो है, ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है, रिजल्ट आपका क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए मैं वही सारे क्वेश्चन को फिर से करवाऊंगा इस अप्रोच पे, फिर हम लोग देखेंगे किसी एक अप्रोच को लेके आगे चलेंगे, क्योंकि दोनों अप्रोच को हर समय लेके आगे नहीं चल सकते, कंफ्यूजन भी होगा अपने को, तो किसी एक अप्रोच को लेके आगे हम लोग चलेंगे। तो अभी हम लोग ट्रेडिशनल कर लिए, तो अभी कौन सा अप्रोच देखते हैं, मॉडर्न देखते हैं। और बड़ा ध्यान से, क्लियर कोई स्क्रीन पे रहेगा कुछ, अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं मन होगा तो बुक में शेयर करूंगा। लेकिन मॉडर्न अप्रोच पे जो हम पढ़ेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आपको काम देगा, ठीक है ना। क्लियर, इसको इरेज करते हैं।
इसमें मैं मजे की बात बताता हूँ, ये बहुत शानदार बात बताता हूँ। हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में थोड़ा सा चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सब अकाउंट के लिए अलग अलग रूल था, डेबिट के कैसे करेंगे, क्रेडिट कैसे करेंगे। जैसे पर्सनल के लिए क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए भी रूल था, डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। नॉमिनल के लिए भी रूल था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो बड़ा सारा रियल रूल था। कई बार क्या होता है कि हम रियल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देते हैं या मर्ज कर जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है। तो एक अप्रोच है, बड़ा सा सिंपल है। और इस अप्रोच में मजे की बात क्या है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपको कितना याद रखना पड़ेगा, एक लाइन, वन लाइन, सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे आपका सारा का सारा जर्नल एंट्री बनेगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना आसान ये अप्रोच है। मजा आ जाएगा आपको ये अप्रोच करके। तो कैसे मजा आएगा, थोड़ा सा मजा दिलाइए, देखते हैं अभी कैसे मजा आएगा। और मैं ये भी, मैं लिखूंगा तो बहुत चीज, लेकिन मैं बाद में दिखाऊंगा कि आपको सिर्फ एक लाइन में ये हो गया है कंप्लीट। कोई नहीं, नोट करेंगे, ध्यान देंगे। अब आपको समझ में आएगा कि वो चार चीज हम लोग क्यों पढ़े हैं। क्लियर? यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूं स्क्रीन पे, आप लोग एक बार पढ़िए तो अपने मन में, म्यूट में ही पढ़िएगा। ये एरो को इंक्रीज पढ़िएगा, ये बढ़ रहा ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंक्रीज। और नीचे की तरफ जाएगा तो उसको डिक्रीज पढ़ेंगे। इसको इंक्रीज पढ़िएगा, ये सिंबल क्या है आपका, इंक्रीज। सर आप ही बता दीजिए क्या है, एकदम ध्यान देंगे, कोई भी रट्टा नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मैं समझाऊंगा क्या है। एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर से समझते हैं, एसेट्स, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बाद में मैं लॉजिक भी बताऊंगा। ऑब्लिक एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ता है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बाद में वही सारे क्वेश्चन करेंगे और बाद में वही सारा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। हम लोग इसका अगर हम रिवर्स करें डियर तो क्या होगा, मैं लिखता हूं और फिर आप लोग देखिएगा। इसका जस्ट रिवर्स करें, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट को रिवर्स करें तो क्या होगा वो देखता हूँ। सर आईना लाएंगे उसको रिवर्स में देख लेंगे हम लोग क्या होता है। नहीं, वैसे नहीं देखेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, एक बार ध्यान से देखते हैं। दूसरा, अगर इसको रिवर्स करें तो एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस, अगर इंक्रीज को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर, डिक्रीज। इंक्रीज को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डेबिट को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब मैंने क्या लिख दिया, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट। एक ही लाइन याद रखना है, ऊपर वाला, नीचे वाला अपने आप बनेगा। ऊपर वाला क्या था देखते हैं, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। फिर नीचे वाला सेकेंड लाइन क्या है, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है ना। अभी चार चीज है इसमें, चार फॉर्मूला है, वो पढ़ लेते हैं, एक ही लाइन से बनेगा और फिर हम लोग देखते हैं इसको। डियर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। चलिए मैं इसको सेव भी कर देता हूं। यहां पे मैं फर्स्ट को छोटा सा लिखता हूं, अभी जो फर्स्ट लिखा था, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज को मैंने क्या लिखा था, डेबिट। दूसरा, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस डिक्रीज को मैंने क्या लिखा था, क्रेडिट लिखा था। ये समझ में आ रहा है? अब थर्ड वन करते हैं, कलर चेंज करता हूँ आराम से। आपको लगेगा कि अभी एक दो मिनट समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर पूरा समझ में आएगा।
थर्ड वन हम करते हैं, अब फर्स्ट वाले को फिर से रिवर्स करते हैं, फर्स्ट वाले को फिर से रिवर्स करते हैं, लेकिन अब रिवर्स कैसे करेंगे, ये सोचेंगे कि एसेट्स के बदले क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, और एक्सपेंसेस के बदले क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, फिर से हम लोग रिवर्स करते हैं। इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, फिर से रिवर्स किए हैं। फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट में क्या था, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस, एसेट्स के बदले में हमने लिख दिया लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस के बदले में हमने लिख दिया इनकम, इंक्रीज को इंक्रीज ही रखे हैं और डेबिट को रिवर्स किया है, तो क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है, यानी कि इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। अभी सबको याद हो जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। फोर्थ, इसको फिर से रिवर्स करते हैं, थर्ड वन को, इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ये चार पॉइंट है, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अपने मन में एक मिनट में टाइम देता हूं, एक मिनट नहीं दो मिनट में देता हूं, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं लिखा हूं, फिर मैं एक बार बताता हूं और जर्नल एंट्री करेंगे तो अपने आप को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आई होप कि आप लोग को याद नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से देखते हैं, स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। फर्स्ट क्या था, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे, याद रखेंगे। इसको अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये दो लाइन हो गया, फर्स्ट एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सेकेंड डिक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब तीसरा में चलते हैं, फिर से रिवर्स करते हैं एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंस को, अब रिवर्स करते हैं एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंस के बदले लिखते हैं हम लोग क्या, इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फोर्थ वन, थर्ड को फिर से रिवर्स करते हैं, इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। अगर याद हो गया होगा तो एक बार मैं पूछना चाहता हूं, मैं ऐसे ही किसी बच्चे से पूछूंगा, देखते हैं, गलती होगा कोई बात नहीं है। नीतीश राज, आप बताइए एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस डिक्रीज क्या करेंगे, स्क्रीन पे देख के मत बताइए, सॉरी, क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्रेडिट, वेरी गुड, म्यूट कर लीजिएगा। कोई भी बच्चे से मैं पूछूंगा तो वो स्क्रीन पे देख के नहीं बोलेंगे, मैं इसको छुपा ही देता सर, आप छुपा कैसे देंगे, मैं तो स्क्रीन शॉट ले लिया हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नहीं। रोहित, आप बताइए इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे सर, इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे सर, डेबिट, इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा, फोर्थ पॉइंट था, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसीता, आप बताइए एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट करेंगे,
वेरी गुड सुरभि, आप बताइए इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट क्रेडिट करेंगे, वेरी गुड। निशांत आप बताइए इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? सर डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। डियर याद करने की रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ये याद हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन हम लोग को याद रखना है, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेकेंड वाले में उसको रिवर्स कर दे, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। थर्ड वाले में फर्स्ट को फिर रिवर्स कर दे इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। डियर लाइबिलिटी के साथ एक और वर्ड में लिख रहा हूँ, मैं पहले नहीं लिखा था अभी लिखता हूँ, कैपिटल। सर फिर से इसको याद करना पड़ेगा। नहीं डियर, लाइबिलिटी का जो रूल हम लोग लाइबिलिटी के लिए लगाएंगे वही रूल किसके लिए लगाएंगे? कैपिटल के लिए वही रूल सेम लगाएंगे। जो रूल लाइबिलिटी के लिए लगाएंगे वही रूल किसके लिए लगाएंगे? कैपिटल के लिए लगाएंगे। अभी मैं स्क्रीन को एक बार हटाता हूँ, एक क्लियर करता हूँ, और मैं कुछ एग्जाम्पल वही वाला लेता हूँ जो ट्रेडिशनल में लिया था, और एक एक करके देखेंगे और आप लोग देखेंगे कि आंसर डिफरेंट नहीं हो रहा है, आराम से देखेंगे और फिर मैं आप लोग से भी पूछूंगा। इसमें भी सेम वैसे ही समझना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, ये इलस्ट्रेशन वन से पहले वाला जो चार पांच एग्जाम्पल में कराया था वो। Started business with a capital of rupees 50,000. Dear, यहाँ पे क्या है transaction? Started business with a capital of rupees 50,000. सबसे पहले कोई भी transaction को हमें identify करना पड़ता है, यानी कि उसमें देखना पड़ेगा कि दो कौन सा account involve होगा। दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या ढूंढ के निकालेंगे कि दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा। तो इसमें मुझे हैंड रेज करके बताइए कि दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा। चलिए मैं भी लॉजिक दूंगा, पहले पूछ लेते हैं। निशांत आप बताइए। सर पहला कैपिटल। पहला कैपिटल और दूसरा कैश। सेकंड कैश। सर कैश तो लिखा नहीं, कैश हाइड है, लेकिन अगर आप ये ट्रांजैक्शन पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। बिजनेस स्टार्ट किए उसमें कैपिटल कितना लगाए हम लोग? 50,000 लगाए। कैपिटल लगाए तो ऑब्वियसली कैपिटल कैसे लगाए होंगे हम लोग? कैश में लगाए होंगे, क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट है तो हम लोग दो लेजर सोचते हैं कि दो लेजर कौन सा हो सकता है, और फिर किसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे हम लोग? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो यहाँ पे पहला कैपिटल है, दूसरा कैश है। अब इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं कि ये क्या है और इसमें रूल लगाते हैं मॉडर्न अप्रोच वाला। सेकेंड ईयर कैश है, तो कैश क्या है अपना? कैश एसेट्स है। कैश समझ में आ गया, कैश क्या है अपना? आराम से करेंगे। कैश क्या है? एसेट्स है। अब पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट भूल जाइए आप, वो रूल हम लोग नहीं लगाएंगे। कैश क्या है? एसेट्स है। अब एसेट्स में हम लोग पढ़े हैं कि एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो डियर यहाँ बिजनेस में कैश आया, इट मीन्स कैश क्या किया है? इंक्रीज किया है। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लाया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो कैश क्या किया है? इंक्रीज किया है। और इंक्रीज अगर एसेट्स करेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे।
एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। दूसरा क्या है, कैपिटल है। कैपिटल के लिए मैं बोला था जो लाइबिलिटी के लिए रूल लगाएंगे वही कैपिटल के लिए रूल लगाएंगे। तो थर्ड में रूल क्या था, इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब डियर बताइए, कैपिटल अगर लगाया है बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल क्या किया होगा, ये भी क्या किया है, इंक्रीज किया है, कैपिटल भी बढ़ा है आपके बिजनेस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री ध्यान से देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फिफ्टी के कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक मिनट के लिए इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको अगर याद होगा तो उसमें भी एंट्री हुआ था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देख रहे हैं सॉल्यूशन अपना सेम आ रहा है मॉडर्न अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा आसान है क्योंकि सब में आपको वही लगाना है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, इनकम लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। इसको मैं रफ करता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो उससे थोड़ा दो चार एग्जांपल हम लोग करेंगे तो उससे आपको। सैलरी सैलरी पेड रुपीज 50,000, सैलरी हमने कितना पेड किया है, 50,000 पेड किया है, ऑब्वियसली हमने कैश में पेड किया होगा। हैंड रेज करके बताइए दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, सारे बच्चे एटलीस्ट ट्राई करेंगे। नीतीश सुर भी आप भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा क्या है, मैं बोल रहा हूँ दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सैलरी पेड किया है हमने कैश में, तो एक कौन सा, सॉरी मैं पूछ लेता हूँ इसी, सॉरी आश्रिति आप बताइए, आश्रिति कुमारी। सर एक सैलरी अकाउंट होगा और दूसरा कैश अकाउंट, एक सैलरी होगा दूसरा कैश हाइड है। ऐसा नहीं कि हर में कैश हाइड भी रहेगा, हम लोग बहुत से ट्रांजेक्शन किए थे किसी किसी में कैश हाइड भी नहीं रहता है, तो एक कौन सा अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट होगा, दूसरा क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। डियर सोचते हैं सैलरी क्या है अपना, सैलरी डियर हम लोग को पर्सनल डियर नॉमिनल नहीं याद रखना है, हम लोग जानते भी नहीं है, हम लोग कौन सा अप्रोच पढ़ रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं, इसमें रियल नॉमिनल याद नहीं रखेंगे हम लोग, जस्ट चार चीज याद रखेंगे, एसेट्स एक्सपेंसेस इनकम लाइबिलिटी। सैलरी अपना क्या है, एक्सपेंसेज है, पढ़ाने का यही लॉजिक था, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेज है। अब एक्सपेंसेज में रूल हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स एक्सपेंसेज इंक्रीज डेबिट। यहाँ पर सैलरी क्या हो रहा है, सैलरी अगर आप किसी को पे कर रहे हैं तो सैलरी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा है, सैलरी इंक्रीज कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सर सैलरी कैसे इंक्रीज किया, डियर आप किसी को सैलरी दिए हैं यानी कि खर्च किए हैं तो आपका खर्च बढ़ा है, खर्च क्या हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज किया है, तो सैलरी इंक्रीज करेगा तो उसको क्या हम लोग करेंगे, डेबिट करेंगे। सेकेंड वन कैश, कैश अगेन क्या है अपना, एसेट्स है। अब ये ध्यान से समझिएगा, कैश आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, रोहित मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सॉरी नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, मेरी आवाज आ रही है क्या, मिस्टर रोहित मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हाँ
मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या?